वक्त हम रेक सिटी से डी ग्राउंड वाली रोड पे चढ़ चुके हैं और थोड़ी देर बाद हम अपने मुकाम पर होंगे जहाँ पे हमने आईटी खानी है। इस वक्त हम जड़ावाला रोड से गुजर रहे हैं और हमारे लेफ्ट साइड पे अल्फता और दूसरे बड़े मॉल्स हैं और यहीं पे हम लोग जाएंगे। ये अल्फता वो पीछे गुजर गया, हाँ ये देखें ऊपर इसका नाम है। फोर्क एंड नाइफ पे जाना है या साल्ट एंड पेपर पे? ये साल्ट एंड पेपर पे हम जा रहे हैं। ये आगे से राइट ले लेफ्ट ले लो यार। ज़्यादा देर ना खाना खाने से जो है ना वो नुकसान ही होता है। सॉल्ट एंड पेपर। ये तो वापसी पे इस्तेमाल करनी चाहिए, जाते हुए क्या फायदा इसका। वी गोइंग टू यूज द वॉशरूम और जस्ट वांट टू वॉश आवर हैंड्स। आप वो कर रहे हैं उधर से? हाँ, सिटिंग इस वक्त हो गई है और अभी हम ये आगाज करेंगे सूप से। इस जगह पे तमाम प्लेटर्स डिशेस लगी हुई हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ से अभी खुलेगा। आईटी का आगाज कौन सूप से किया जा रहा है? सूप से जगह बनाई जा रही है। सूप से जगह बनाई जा रही है। कैसा ही कौन सूप? कैसा? अच्छा है, इस वक्त तो वैसे भी चमक रही है। आज ताज़ा टेस्ट बदलेगा। हमारी हाई टी का आज सेकेंड आइटम फिंगर फिश है। ये मायोनीज सॉस के साथ यहाँ पे टिक्के और साथ में फिंगर फिश। फिंगर फिश का भी जायका बस दरमियाना सा है। कुर्सी फीकी बनाई है लेकिन ठीक है। कैसा जायका लगा आपको? इस वक्त हम थोड़ा सा वक्फा कर रहे हैं हाई टी में और वक्फे के दौरान मिंट मार्गरेटा नोश किया जा रहा है। स्टार्टर में सूप ले लिया है, उसके बाद आपने फ्राइड फिश खा ली है। अब हम मिंट मार्गरेटा पी रहे हैं, थोड़ी सी जगह बन जाएगी, मछली नीचे हो जाएगी। इसके बाद आप प्लेटर बना सकते हैं जिसमें आप बिरयानी या पुलाव ले लें और उसके ऊपर आप जो है चिकन कढ़ाई यानी चिकन कौरमा और सीख कबाब और जो दूसरे कबाब हैं वो डालें साथ, बोटी वाले कबाब। और फिर उसके अलावा चिकन के जो आपका ब्लैक चिकन होता है, चिली सॉस होता है वो, और जो भी आइटम्स सालन वाले हैं चिकन के वो आप सब डाल सकते हैं ताकि आप सब चीज़ों को टच करें। अच्छा, इसके लिए हमें प्लेट लेनी पड़ेगी या ट्रे लें? नहीं, एक प्लेट बड़ी वाली इनफ होती है। अच्छा, अभी हम आपको डेमो दिखाएंगे। नहीं, आप ये कराची के एक्सपीरियंस बंदे हैं, ये भी आपको कुछ इस हवाले से उसामा साहब के शागिर्द हैं, वैसे अपना आइडिया बता रहे हैं। क्योंकि आप नान खाएंगे ना, नान तो फिर भाई नहीं, नान तो खाया नहीं जाता। ये जो बंदे हैं ना, ये यहाँ पे पूरा हक अदा करने के लिए आए हैं। आइए के मिड में हमने ये कुछ प्लेटर बनाए हैं हर चीज़ का कुछ ना कुछ टेस्ट लेने के लिए। चेक कर आइटम आ रहे थे। चिकन के तमाम आइटम अच्छे मज़े के बनाए हुए हैं। चावल भी, बिरयानी और ये क्या नाम है इसका, एग राइस थे ना? जी, एग फ्राइड राइस। बाकी ये हनी विंग्स हैं, ये भी चेक नहीं किए, ये भी आपको चेक करके दिखाते हैं। ये भी ठीक है। यहाँ पे ग्रीन टी है और दूसरी टी है। ये जेलीज, ये कुछ केक्स के आइटम हैं।
पुडिंग बनाई हुई है और उसके साथ में ये मीठे चावल है, ये कपकेक्स, ये भी केक्स के मुख्तलिफ किस्म की आइटम्स हैं, ये भी केक है, ये स्वयं नहीं हुई है, पुडिंग भी कह सकते हैं इसे आप। ये हलवा है, ये केक है, फ्रेश केक, नान रोटी, पालक चिकन, ये सब्जी है, आलू और बैंगन, मिक्स दाल, चिकन कोरमा, बिरयानी, चिकन टिक्का, चिकन सीख कबाब, फिंगर फिश, दो नंबर जन, गार्लिक चिकन, ये एग फ्राइड राइस है और चिकन मंचूरियन। चिकन मंचूरियन और गार्लिक जो है ये आप चावल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हनी विंग्स है, चिकन चाउमीन, और ये सैंडविचेस हैं, और यहाँ पे कुछ सैलड्स बार लगी हुई है, पूरा सैलड बार है, ये कुछ सॉसेस हैं, ये बाकी पीस, वेजिटेबल, फ्रूट, चना चाट, बीन सैलड, पीस सैलड, ये इस तरह के सैलड है। यहाँ पे शुरू में यहाँ पे प्लेट्स और फॉर्क्स, नाइफ्स वगैरह इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। बैठने की सिटिंग एरिया है, कोरोना की वजह से आउटडोर में कर दिया गया सारा, आउटडोर खड़े इस तादा बुकिंग कर रहे हैं। इंडियन ड्रामा स्पेशलिटी जो है वो ये मीठा है, और मीठे में इन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पे रखा हुआ, पुडिंग्स हैं, केक्स हैं, ये सारे अपने अपने जो है ना खाते पूरे कर रहे हैं कि इन्होंने जितना पे किया क्या उसका हक अदा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, चाय और कावा का आखिरी राउंड चल रहा है कि चीज़ें हज़म हो जाएं। ओपन एयर में हाइडी से पहले ये इनका हाल था, यहाँ पे हाइडी वगैरह का सेटअप लगाया जाता था, और अब कोरोना की वजह से रूफ़ टॉप के ऊपर नया सेटअप लगाया गया। हाइडी खाने के चक्कर में चंद दोस्त निकले थे और चनियोड़ के करीब मदीना शुगर मिल के पास ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं, बाहर धुंध है और तीन तीन लाइनें हर तरफ लगी हुई हैं।